नागपुर एयरपोर्ट पर उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ ही समय पहले लैंड होते हुए एयरक्राफ्ट पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी। बिजली गिरने से एयरक्राफ्ट के नीचे रूटीन चेकअप कर रहे दो इंजीनियरों की जमकर झटका लगने से वे घायल हो गए, जिससे वे जगह पर ही बेहोश भी हो गए थे। दोनों को तुरंत ही जगह पर उपचार देकर किंग्सवे हॉस्पिटल रवाना किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। शनिवार की शाम को नागपुर एयरपोर्ट पर उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ ही समय पहले लैंड हुए एयरक्राफ्ट पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से एयरक्राफ्ट के नीचे रूटीन चेकअप कर रहे दो इंजीनियरों को जमकर झटका लगा, जिससे वे जगह पर ही बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत ही जगह पर उपचार देकर किंग्सवे हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहाँ पर दोनों की स्थिति पर डॉक्टर नजर रखे हुए है। पहली बार इस तरह का हादसा होने से पूरा एयरपोर्ट प्रशासन सकते में आ गया है। हो सकती थी बड़ी घटना। इंडिगो का यह विमान लखनऊ से नागपुर आने के बाद अहमदाबाद जाता है। लखनऊ से नागपुर आने वाले यात्री उतरने के बाद यह हादसा हुआ। यदि एयरक्राफ्ट यात्रियों से भरा होता तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं यहां पर पहुंचे यात्री बारिश शुरू होते ही एयरक्राफ्ट से उतर गए थे। यात्रियों ने घटना की खबर सुनते ही राहत की सांस ली। बताया जाता है कि विमान लैंडिंग करने के बाद उसका रूटीन चेकअप करना आवश्यक होता है, इसके बाद ही विमान अपने अगले गंतव्य के लिए उड़ान भरता है। जानकारी देने से बचते रहे इंडिगो के अधिकारी। एयरपोर्ट पर घटी इतनी बड़ी घटना की जानकारी के लिए जब इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों को फोन किया गया तो वे जानकारी देने से बचते रहे। कई बार अधिकारियों को फोन करने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। हमेशा की तरह इस बार भी एयरलाइंस के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकते नजर आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।